दोस्तों बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े नामों में से एक है और जब भी बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों का नाम आता है तो आप सलमान खान का नाम हमेशा टॉप पर ही पाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि बॉलीवुड के भाईजान बकरा ईद का त्योहार किस तरीके से मनाते हैं और वो इस त्योहार के मौके पर किस जानवर की बलि देते हैं? दोस्तों अगर आपको ये बातें नहीं पता है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत और मैं आपको बताता हूँ पूरी सच्चाई क्या है। दोस्तों हमारे देश में मनाया जाने वाला कोई भी त्योहार हो सलमान खान के घर पे जरूर सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे फिर वो हिंदुओं के त्योहार जैसे कि गणेश चतुर्थी हो, नवरात्रि हो, दिवाली हो या फिर होली हो, या फिर मुस्लिम त्योहार जैसे कि ईद और बकरा ईद का त्योहार। सलमान खान अपने पूरे परिवार के साथ सभी त्योहारों को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता कि मुस्लिम त्योहार बकरा ईद के दिन मुस्लिम लोग अल्लाह की राह पर जानवरों की बलि देते हैं तो दोस्तों आपके में भी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान इस त्योहार के दिन किस जानवर की बलि देते हैं और किस तरीके से इस त्योहार को मनाते हैं। तो दोस्तों जैसे आप हर ईद पर देखते ही हो कि हर ईद के मौके पर सलमान खान अपने घर की बालकनी में आकर अपने फैंस को धन्यवाद बोलते हुए दिखाई देते हैं और उस दिन अपनी कोई फिल्म भी रिलीज करके अपने फैंस को तोहफा देते हैं। लेकिन दोस्तों बकरा ईद के त्योहार के दिन सलमान खान ना तो अपने घर की बालकनी पर आकर फैंस को धन्यवाद बोलते हैं और ना ही वो किसी भी जानवर की कुर्बानी देते हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को इस त्योहार की मुबारकबाद देते हैं और घर के अंदर ही अपनी फैमिली के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। बाकी दोस्तों कुछ लोगों का दावा है कि सलमान खान इस दिन अपने फार्म हाउस पर एक बकरे की बलि भी देते हैं, लेकिन दोस्तों इस बात की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सलमान खान किसी भी जानवर की बकरा ईद के दिन बलि देते होंगे या नहीं? दोस्तों इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।